तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक हो चुका है सभी का एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि आपको पिछली वाली वीडियो में याद होगा, अगर याद नहीं है तो पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हो, उसका मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो कहाँ थे हम, हाँ तो जैसा कि आपको पिछली वाली वीडियो में याद होगा, हमने अपना पूरा घर बना लिया था। और ये घर बनने के बाद ऐसा लग रहा था, और इसकी छत बस नहीं कंप्लीट हुई थी जो कि मैंने ऑफलाइन जाके कर दी थी, और ये अब इसका पूरा लुक कुछ ऐसा आ रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पूरे आर्मर के लिए ग्राइंडिंग। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ ये दो हेलमेट और चेस्ट प्लेट है, खराब हो जाएगा मैं हमें पूरा आयरन का आर्मर चाहिए। और कोई भी वीडियो ऐसी हो नहीं सकती जिसमें मैं डेविल की मार ना खाऊं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो का भी शुभारंभ कर लेते हैं। तो एवरीवन, ये है हमारा पूरा घर, और इसकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। डेकोरेशन, पत्तियां लगाना और छत, मेन बात तो अपनी छत भी कंप्लीट हो चुकी है। वो टॉर्चेस को इग्नोर कर देना, वो अभी तक हटी नहीं है क्योंकि लैंटर्न अभी मैं लगा नहीं पाया हूँ। और बाकी ये अपनी रही पर्सनल चेरी ग्रोव की बायोम, ये दो पेड़ ऐसे ही डेकोरेशन के लिए लगा दिए, और ये जमीन पे अच्छे लगते हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता लेकिन हाँ। तो चलो चलते हैं घर के अंदर, थोड़ा सा आपको छत दिखा देता हूँ। और हाँ गाइज, ये छत जब मैंने बनाई थी, मतलब जब ये घर कंप्लीट हुआ था, तो उसकी मैंने एक शॉट बना के भी डाल दी थी, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो वो पूरी की पूरी शॉट। उसमें इस मतलब एक तरह से सब पहले ही बता दिया गया था कि ये सब बन चुका है। तो गाइज, ये अपना घर का फाइनल लुक। यहाँ से कुछ आवाजें आ रही हैं। ओ, ये तो अपना परमानेंट मजदूर खेती कर रहा। करो 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 करो, खाना वाना भी दे देना, चल ना। ये डेकोरेशन ना खराब कर, डेकोरेशन नहीं, बहुत मेहनत लगी है डेकोरेट करने में। हाँ तो गाइज, मैंने तो ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद, छत कंप्लीट करने के बाद सर्वर लीव कर दिया था, लेकिन अपने डेविल भाई ने नहीं किया था। और बाकी मैं देखा देता हूँ आप लोग को डेविल भाई की मेहनत। ये दरवाज़ा खोलते, यहाँ पे आपको पीने की लैडर, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब बेचारे डेविल भाई ने किया है, उन्होंने अपनी मेहनत से ये सब किया है। थोड़ा फास्ट वे में चलते हैं, गिरने की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी दर्जा लगा के रखी उसने। थोड़ा सा इधर से चलेंगे तो नीचे हम लोग को पानी मिल जाएगा। तो निकल जाऊँ, हाँ तो यहाँ पे वैसे इसमें कौन सी थी, ये तो हमारी केव का एक रास्ता है जो हमने ब्लॉक कर दिया है। कोई मरना चाहता नहीं है वहाँ पे जाके, क्योंकि हम लोग जाते जाते मरते मरते बचे हैं वहाँ पे, जब मैं आया था, जब डेविड भाई ने ये सब कर दिया था। यहाँ पे कुछ हुआ होगा मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पे ये जो जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये हम लोग ने बनाई थी, मतलब डेविल भाई ने बनाई थी, मैंने कुछ नहीं किया था। ये डेविल भाई ने बनाई थी डायमंड माइन करने के लिए केव, जो पूरी, मुझे लगा था नीचे पानी नहीं अभी भर जाता भाई, जो पूरी ये देख रहे हो आप -59 तक जाती है। और ये देखो पूरी की पूरी यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग डेविल भाई ने कर रखी है। हाँ तो गाइज, हमें मतलब मैंने अपना डायमंड का कुछ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आयरन के टूल्स हैं मेरे पास और जब टूटेंगे तब देखूंगा, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है तो वो एक आर्मर की है। लेकिन मैं डायमंड से अपना अभी आर्मर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सोच रहा हूँ डायमंड से हम लोग एक पिकेक्स बनाएँ, उसको फिर हम लोग इंचेंट करें फॉर्च्यून 3 से, फिर जाके हम लोग डायमंड माइन करें, ताकि हमको एक के बदले 10-10 मिले, मतलब 10 नहीं मिलते लेकिन मिल जाते हैं अच्छे खासे। ऊपर चल भाई, ऊपर कहाँ, तू नीचे जा रहा, मैं सोने के लिए ऊपर आ रहा, तुम नीचे आ गए, बेड लायो बेड, तब काहे नीचे आए थे। हाँ तो अब क्या करना है, मतलब आयरन का आर्मर चाहिए तो केव में चलते हैं। बढ़िया, मेरे पास कुछ शायद आयरन पड़ा हो शायद से, अबे मेरे पास 15 आयरन पड़ा है, रुको मैं पहले इन्वेंट्री साफ करूँ जाके अपनी। हाँ तो सुनो, ये बताओ अब आयरन आर्मर कलेक्ट करने वहाँ चलते हैं, मैं कह रहा कहाँ जा रहे हो, मतलब वहाँ चलो, वहाँ जो अपने स्पॉन वाली केव थी वहाँ चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारा आयरन मिलेगा। तो स्ट्रिप माइनिंग करते हैं ना नीचे। अबे स्ट्रिप माइनिंग करने से आयरन नहीं मिलता, वो सिर्फ डायमंड में काम आती है। चलते हैं वहाँ पे, मेरे पास है स्टोन की भी है और उसकी आयरन की भी है, तुझे चाहिए स्टोन की तो बता दे, लेकिन मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है। तुम मार के भागो, मैं क्रेट मारता हूँ। मैं मारूंगा इस बार, तुम मत भागो। अबे तू अच्छे से भाग लेगा। तो क्या कर रहे हैं इधर, कौन मारेगा, तुम मारो।
इधर आओ इधर आओ, रुको रुको रुको, अब मैं मारता हूँ। मेरी क्रेट ही नहीं पड़ रही, वाह तू क्या सीधा मेरी क्रेट पड़ी गई। आयरन कहाँ गया? हाँ मेरे पास ही आ गया, ये ले। 22 मतलब हमें लेगिंग के लिए 7 लगते हैं, बूट के लिए लगते हैं 4, 7 4 11, 11 11 22, अबे दोनों का आर्मर बन गया, वाह। 1 2 1 2 लो। ओए हेलो, पीछे पीछे गाइस, मतलब हमें केव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों का आर्मर ऐसे ही बन गया। ये टूल्स के लिए आयरन फार्म करना है, सोने के जूते पहनेगा, सोने से प्रोटेक्शन नहीं मिलती, सोने के जूते संभाल के रखो, नदर में काम आएंगे वो, ये टूटने ना देना इनको। ए आधी दूरी बेटी कर दिया, वाह बन गया मैं आयरन मैन, मेरा भी आयरन कार में पूरा पूरा रेडी हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। मुझे बाय द वे एक शीट चाहिए, मेरे पास है नहीं, शीट बना दो, आयरन नहीं है, या तो रात का वेट करो या तो केव में चलते हैं। चलो केव में चलते हैं, फिर रात में आके यहाँ थोड़ा सा फार्म कर लेंगे। देखो कहीं और आयरन दिख रहा है तुम्हें? यहाँ से 2 है। सो गाइस, डेविल तो नीचे पहुँच चुका है, मेरे को बस नीचे जाना है अब, या तो ये लास्ट ब्लॉक है, या तो मैं नीचे जाके वाटर बकेट कर दूँ, या तो अब पूरा घूम के काम करूँ। क्या कहते हो, अगर मेरी वाटर बकेट हो गई तो सब लोग सब्सक्राइब करेंगे? रहने दो, चलो ठीक है, रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क है तो इसके भाई, मरा तो मेरा सामान उठा लियो, मेरे को नहीं पता कहाँ हो। ए कर दी वाटर बकेट कर दी, लेकिन मैं बगल में गिरा था भाई उसके, 4 डैमेज फेक हो गया मेरा नेट तो चल रहा है ना। हाँ भाई, अबे मैं 1 पिक्सल से बच गया भाई, मैं 2 ब्लॉक के बीच में गिरा, लेकिन मैंने वाटर बकेट नीचे की। क्या मतलब भगवान चाहता है कि मैं, मतलब सब लोग सब्सक्राइब करें और मैं मरूं भी ना? वाह भगवान चाहता नहीं। ए चल चल, ए रात हो गई भाई, नीचे आने का फायदा क्या हुआ? तू कहाँ है, तू कहाँ है? पता नहीं कहाँ, पानी के पास हूँ। मैं भी पानी के पास हूँ, मुझे माइन तो आ रही, कोई मजदूर माइन कर रहा है। कहाँ हो? यहीं पे पानी बगल में माइन कर रहा है स्टोन। कहाँ बे? कुछ है भी नहीं, इससे अच्छा तो वहीं पर चले जाते हैं अपने स्ट्रिप माइनिंग पे। पानी से ऊपर आओ, पानी से ऊपर आओ, ऊपर चलो, रात हो गई। चलो गाइस चलो। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है थोड़ा सा प्लान चेंज, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एक अनलिमिटेड कॉबस्टोन फार्म और एक चिकन कूप, जिससे हम दोनों की भूख की बीमारी का इलाज हो पाए, क्योंकि अभी उस छोटे से फार्म से तो कुछ हो नहीं पा रहा है और बार बार हम लोग के सारे फूड ख़त्म हो जाते हैं। सो बिना किसी देरी के कर देते हैं इस जगह को पूरा प्लेन और मिलते हैं आपसे 2 मिनट में। फाइनली हमारी ये पूरी पूरी फ्लैट हो चुकी है, थोड़े पेड़ों की पत्तियों का बलिदान देना पड़ा, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, फिर से उगाएगा उसमें, मतलब हम लोग ने काटा नहीं है, सिर्फ पत्तियां इसकी इस हिस्से से हटा दी हैं, जैसे बीच में ये अचानक से आ गया हो, मतलब ये चंग बीच से अचानक से आ गया हो, उसकी पत्तियाँ हट गई हूँ। हाँ तो फाइनली अपना वो चिकन वाला फार्म जो डेविल चाहता है वो बन सकता है, और बाकी अनलिमिटेड कॉबलस्टोन फार्म भी बन सकता है अब तो यहाँ पे, क्योंकि लावा रखा हुआ है पहले से। गाइस की यहाँ पे इस जगह पे हम लोग का कॉबलस्टोन फार्म बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है अपना चिकन कूप, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दूँगा, मतलब कितने इतना सही रहेगा आई थिंक, बाकी इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम लोग, कितना सही है यहाँ पे, इतनी सही रहेगा मेरे ख्याल से। अब इसको यहाँ पे लाके इस जगह पे एकदम सही है, मैंने तुक्के से लगाया था, वाह। चार 5 इन दोनों के बीच में लग जाएगा अपना ये ओक फेंस गेट, जिसके अंदर हम लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन
मैं तो सोच रहा था गाइस कि ये ओक फेंस गेट लगाओ ही ना, सीधे कारपेट लग के कर लेने, लेकिन फिर सोचा छोड़ो। देखो और इधर देख, इधर देख, इधर देखा, इधर देखा, देख देख कॉबलस्टोन कैसे बनता है, कॉबलस्टोन जनरेटर। ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, एक ब्लॉक छोड़ा, ये लगाया, ये लगाया, यहाँ पे डिक किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इसके नीचे गए, यहाँ पे बिल्ड किया। अबे बिल्ड करना है वहां पे ताकि ये ब्लॉक भर जाए। हंस रहा है जैसे मैं इसे ही गिर गया हूँ। फिर देख यहाँ पे ये गया, हो गया। लेकिन हाँ, जंगल में आग ना लगे इसलिए इसको बंद कर दो। तो गाइस अपना ये पूरा सस्ता वाला कॉबर स्टोन जनरेटर हो चुका है रेडी। चेस्ट भी यहाँ पे एकदम खुल रही है, ये देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने स्टेयर्स लगा दिया तो चेस्ट आराम से खुल रही है। अब कोई भी यहाँ से माइन करेगा तो ना वो लावा में जाएगा, सीधा जाएगा वहाँ चेस्ट में। हल्का सा स्क्रोल अप, ये देखो गाइस फिर माइन के तीनों आ गए। अपना ये चिकन कूप भी रेडी हो चुका है, डेविल उल्लू को ये सब ब्रीड कर रहा है। और ये ले मेरे से ये सब सीड ले ले, खा मांगे तेरे। हाँ तो गाइज अपना ऑब्जेक्टिव इन दोनों वीडियो मतलब इस वीडियो का कंप्लीट हो चुका है। पहले तो हमें आयरन आर्मर बनाना था लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग ने एक चिकन कूप भी बनाया और ये कॉबलस्टोन जनरेटर भी बनाया। तो गाइज अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हेलो, क्या चीज़, क्या क्या, हाय हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, अब की बार ना मारना, पिछली वीडियो में भी तूने मार दिया था साले। नहीं। तो गाइस चलो ये वीडियो एंड करनी पड़ेगी वरना ये मुझे फिर से मार देगा और मेरा सारा आयरन आर्मर चला जाएगा, ये साला वापस भी नहीं करेगा फिर।